मोर डिलीशियस रेसिपीज सब्सक्राइब सारस किचन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साराज किचन और आज अपने किचन में मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाला की रेसिपी है जो हम घर पे बनाते हैं, होममेड गरम मसाला। और ये बहुत ही अच्छा बनेगा, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ आप इसको डबल भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये जो तमाम इसको मैयर किया है, ये मेरे पास 1/4 कप की ये जो मैयरमेंट है इसी से मैंने इसको किया है, मेजरिंग कप से। और ग्राम्स में भी मैं आपको बता दूंगी कि कितना कितना लेना है आपने। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो ब्लैक ज़ीरा है मेरे पास, ये 1/4 कप है मेरे पास, 25 ग्राम है ये। इसी तरह से जो वाइट ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने 1/2 कप लिया है, ये मेजरिंग कप ही से ही मैंने 1/2 कप लिया है और ये 50 ग्राम है। छोटी जो इलायची है, सब्ज़ इलायची, ये भी मैंने 1/4 कप ली है, यही वाला कप, ये 25 ग्राम है। दारचीनी के मैंने तकरीबन 16 से 17 पीस लिए हैं और ये 15 ग्राम है, इसका वेट जो है 15 ग्राम है। इसी तरह से काली मिर्च जो है ये भी मैंने 1/4 कप ली है और ये 50 ग्राम इसका वेट है। और ये इसके साथ जावित्री का मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के लिया है, जावित्री का जो वज़न है वो तकरीबन 15 ग्राम बनेगा। इसी तरह से ये लौंग है मेरे पास, लौंग भी मैंने 1/4 कप ली है और लौंग का जो वेट है वो भी 15 ग्राम है। इसी तरह से ये जायफल का 1 पीस लिया है मैंने, इतने मसाले के लिए 1 जायफल जो है वो काफ़ी है और ये भी 15 ग्राम ही इसका वेट तकरीबन बन जाता है। इसी तरह से बड़ी इलायची है, ये 1/4 कप ली है मैंने, ये इसका वेट जो है वो 20 ग्राम है। तो ये जो तमाम मसाले हैं इनका मैंने आपको वेट भी साथ में बता दिया, अगर आप इस तरह से लेना चाहें तो ये मेजरमेंट रखें, इसको आप डबल भी कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने सबको अच्छी तरह से धूप लगवा के मैंने इसको रखा है, अगर आप भी इसको धूप लगवाना चाहें तो धूप लगवा लें, वरना आप इसको पैन गरम करके उसको चूल्हे से हटा लें और उस गरम पैन में तमाम मसालों को डाल के थोड़ी देर के लिए हिला लें अच्छी तरह से और फिर उनको थोड़ा ठंडा करके पीस लें। लेकिन आपने इनको रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल आपने ऐसे ही रखना है इनको। तो चलिए अब मैं ये पीस लेती हूँ तमाम मसाले और फिर आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया, बिल्कुल बारीक मैंने इसको छान लिया था, छान के दोबारा से फिर पीस लिया था जो मोटा रह गया था। और ये हमारा बहुत ही अच्छा गरम मसाला बनके तैयार हो चुका है, आप भी इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। इसको किसी भी एयर टाइट बर्तन में डाल के आप और इसको फ्रिज में रख दें, इसकी खुशबू में, इसके जायके में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसको साल के लिए रखें आप चाहे, मैं इसका ऐसे ही बनाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तादाद में इसको बना लेती हूँ और मेरा 1 साल बहुत अच्छा गुजर जाता है, इसकी खुशबू में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ आपने इसको एयर टाइट बर्तन में डाल के रखना है तो ये आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।